गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो गाइस, आज है फ्राइडे का दिन। आई होप कि आज थोड़ी बहुत मिल जाएगी राइट, बिकॉज क्योंकि आज है ना शुक्रवार है ना भाई, तो चांसेस है। और चलो मैं बात करता हूँ रैपिडो की। तो मैंने क्या किया था ना, कल मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था। अरे भाई साहब, मुकुंदपुर की राइड आ रही है अभी, इतना सुबह सुबह इतना लंबा डिस्टेंस की राइड, क्यों छोटी छोटी देगा तब ना। हाँ तो बात करते हैं इंसेंटिव की। तो मैंने एक ट्रिक खेला था और इसमें से मेरे को दो प्रॉफिट हुआ। पहला प्रॉफिट ये है गाइस कि सब्सक्रिप्शन जो लिया ना वो दो दिन का वैलिड हो गया, एंड दूसरा मेरे को इंसेंटिव भी मिल गया। ठीक है, बहुत अच्छी वाली इंसेंटिव मिल गया। तो अब ट्रिक मैं बताता हूँ क्या किया मैंने। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो पहले ही मत लिया करो, मतलब एक दिन पहले ही मत लिया करो। जिस दिन काम करना है उसके ही सुबह सुबह ले लो, 5 बजे 4 बजे, ऐसे लोगे ना तो आपको फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा ये कि उस दिन और प्लस दूसरे दिन, ठीक है, जैसे मान लो आज मैं फ्राइडे है, फ्राइडे और सैटरडे दो दिन का हमें ₹5 में सब्सक्रिप्शन मिल गया। ठीक है, और दूसरी बात, अगर सुबह सुबह लेते हो तो आपका जो पहले से इंसेंटिव रहता है वो तो रहेगा ही आपके अकाउंट में। अगर आप एक दिन पहले ले लेते हो तो इंसेंटिव हट जाती है। तो इससे आपको यही दो फायदा होने वाला है, एक तो ₹5 में दो दिन का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और दूसरा इंसेंटिव भी मिल जाएगा भाई। इसीलिए जिस दिन काम करना उसी दिन लो, ठीक है, निकलने से 5-10 मिनट पहले ही सब्सक्रिप्शन को परचेस कर लो, तब करो। अब बहुत कोई बोलता है कि मेरे अकाउंट में शो ही नहीं कर रहा, तो भाई शो नहीं कर रहा रीज़न है कि तब आपके अकाउंट में एक्टिव नहीं है। ठीक है, पेशेंस रखो, नेक्स्ट वीक तक में आ जाएगा। चलो अब हम पहली राइड का वेट कर लेते हैं, क्योंकि 7:03 हो चुका है और राइड वो लंबी लंबी दे रही है, छोटी छोटी नहीं दे रही है। मेरे को आज ये टारगेट कंप्लीट करना है। इंसेंटिव अच्छी खासी है, आज इंसेंटिव है गाइस, कहाँ गया, हाँ ₹120 मिलेगा मैं 6 ट्रिप कर दूँ तो। हाँ भाई साहब, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बस राइड मिलनी चाहिए। चलो फिर शाम में भी है 5 बजे से 8 बजे तक का, 3 घंटे का दिया है शाम में। शाम में भी 6 राइड करना है, तो शाम वाला तो मुश्किल है, मतलब 2 राइड हो सकती है, मतलब 4 राइड, 2 इंसेंटिव मैं पूरा कर सकता हूँ 50 वाला। तो देखता हूँ शाम को निकल पाता हूँ कि नहीं, पहले अभी वाला कंप्लीट करता हूँ। चलो गाइस मिल गया, बट पिकअप जो है 1.6 किलोमीटर है और ड्रॉप भी समथिंग ही है। ठीक है, मतलब उतना ही मेरे को जहाँ तक देखा मैंने उतना ही है, बट देख नहीं पाया ज़्यादा देर क्योंकि भाई जल्दी पिक करना पड़ता है ना, इसीलिए। चलो बहुत कंफ्यूज कर दिया इस लोकेशन ने गाइस। आपने पीछे ने की बोलें 9590 पीछे तो गोली दे छिले मम्मी। जाओ देखो गाइस, ये देखो इंसेंटिव में जाके दिखाता हूँ। 1 किलोमीटर के लिए जो है ना मेरा ये ₹30 जो है नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो ये कंप्लीट करूँगा तो मेरा 3 राइड हो जाएगा, अब प्लस 30 का इंसेंटिव भी मिल जाएगा। भाई साहब बहुत तकड़ी वाली आज सबसे ओवर स्पीड कर दिया भाई, 35 का गैस क्लियर। स्कूल छोड़ रहा था एकदम भगाने में लगा भाई। कैश पेमेंट है, अरे यार हमें फ्री कर देती है एटलीस्ट। एक मेरे को राइड आ रखी है, चलो जल्दी से आ जाए दोनों। इंसेंटिव कंप्लीट हो गया, बस इसका पेमेंट मिल जाए जल्दी से। बहुत तगड़ा भगाना पड़ा था लास्ट राइड में गाइस,
हैंडल्स के, ये भी मेरे को पहले ही आ गया था एक और राइड, तो हमारा चलो ये इंसेंटिव वाला कंप्लीट हो गया 30 रुपीज़। कॉन्ग्रेचुलेशन, 30 मिल गया और पता नहीं कितनी अर्निंग क्या हुई भाई। हाँ, 134 रुपये की अर्निंग हुई, ठीक है, इंसेंटिव लगा करके 3 ट्रिप 104 रुपये का अभी तक अर्निंग हुआ है। चलो, एंड ये फोर्थ नंबर आ गया राइड। राइड देने का जो हिसाब है ना, मेरे को लगता है 10 बजे तक मैंने 10 बजे से पहले ही शायद मैं 6 ट्रिप कंप्लीट कर पाऊँगा, क्योंकि ये 4 नंबर मिल गया मेरे को। 2 राइड आई थिंक कि 2 राइड करने में मेरे को 9 साढ़े 9 बजे तक मैं ब्रेक कर दूँगा, तो आज भाई ठीक है। अगर आप लोग को भी इंसेंटिव लेना है ना और 0 कमीशन में, तो भाई जिस दिन राइड करोगे उसी दिन आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। अगर मान लो 7 बजे से इंसेंटिव शुरू हो रही है, तो आप 6:30 बजे तक जो है 0 कमीशन ले लो, आपको फ़ायदा हो जाएगा। तब इसमें क्या होगा, 2 दिन का वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा, एंड दूसरा इंसेंटिव भी मिल जाएगा गाइस। हर बार जो है ना वेट करना पड़ता है मेरे को। हाँ, 4262। अच्छा, टू पॉइंट टू किलोमीटर कहाँ है। चलो, आज सब शॉर्ट शॉर्ट राइड मिल रही है। इधर से लूँ या पीछे से? चलो, राइड एक्सेप्ट किया, राइड ही गायब हो जा रही है भाई। चलो, हमारा एक और इंसेंटिव वाला कंप्लीट कर दिया हमने। यार, पोर्टर की अभी आ रही है, ऑर्डर कैंसिल्ड एक्सेप्टिंग वक्त क्या क्या करते हैं। तो अराइव हो गया है एंड इंसेंटिव कंप्लीट हुआ। अरे यार, फिर से वही लोचा, 2.5 किलोमीटर का लोचा। चलो, अभी 2.5 किलोमीटर कंप्लीट करना है मेरे को। ऑर्डर मिल रहा है भाई साहब, मतलब क्या ही बताऊँ आपको, मैं बता नहीं सकता। ऐसा तगड़ी वाली ऑर्डर मिल रहा है, फट फट मिलते जा रही है। ठीक है, ऐसे ही देते रहो। 1.1 पिकअप, लो जाते हैं पिक करने। यार, ये कैंसिल क्यों करते हैं यार, यही तो सबसे बड़ी मतलब मूड खराब करने वाली बात हो जाती है। हर कोई कैंसिल कर देता है, 2 सेकंड वेट नहीं कर। 1 किलोमीटर पिकअप है, उसमें भी यार पेशेंस नहीं है किसी के अंदर। चलो कोई नहीं, अपने को अपना तो बस काम बनता, पहाड़ में जाए ऑर्डर जनता। न्यू टाउन, चलो ले लेता हूँ न्यू टाउन की ही राइड। 1.5 किलोमीटर दिखा रही है पिकअप। ओ थारी पिकअप ही तो तगड़ी तगड़ी मिल जाती है ना, इसके कारण कस्टमर कैंसिल कर देता है भाई। चलो गाइस, हमारा सारा टारगेट हो गया कंप्लीट। ये 67 का राइड था,
बट भैया ने मेरे को 100 रुपीज़ पे कर दिए भाई। कौन सा भैया? ब्लॉक EN, ये अपोजिट अमृति टावर। वेबल मोड़ तो आपका यही वाला है, ठीक है, इसी के अंदर में ही 2-4 बिल्डिंग है, तो शायद उसी में से कोई हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, लेफ्ट साइड में। चलो भाई, हमारा आज का सारा टारगेट कंप्लीट हो गया, देख लो, हमने सारा आज कंप्लीट कर दिया भाई साहब, वो भी 9:30 बजे तक। मैं दिखाता हूँ, कोई भी इंसेंटिव नहीं बचा, सब कंप्लीट, इंसेंटिव डन। ये देखो ग्रीन हो चुका है, और भाई अर्निंग तो बहुत गजब की होती भाई रैपिडो में, बिलीव नहीं होता है कि रैपिडो इतनी अर्निंग दे देती इतना कम समय में। मात्र 2.5 घंटे में मैंने 450 की अर्निंग कर ली, एक्स्ट्रा जो मिला वो अलग है। चलो, ऐसे बहुत कम बंदे मिलते हैं कि इतना ज़्यादा पेमेंट भाई किसी को एक्स्ट्रा देता है, हाईएस्ट मैंने देखा है 5 रुपये 10 रुपये मिलते हैं मेरे को भाई, बहुत बार मिला है 25 रुपये 30 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाता है। वो बोले कि आपको खाली जाना पड़ जाएगा, इसीलिए आप पर्सनल वाले QR कोड दे दो, नहीं तो मैं भाई रैपिडो का ही QR कोड पे ले लेता। चलो कोई नहीं, सही बात है, यहाँ से खाली जाना पड़ेगा अभी, क्योंकि अगर मैं 6-7 बजे के पहले आता ना, तब यहाँ से बैक राइड मिलती है जो नाइट शिफ्ट वाले रहते हैं, अदर नहीं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट राइड किसकी आती है। यही होते भाई सेक्टर 5 आने के बाद, अगर यू टर्न जा रहा हूँ न्यू टाउन, सब्सिडी लो चाहिए, सर्ज दे रहा था इसी कारण से आ गया, और लास्ट मेरा इंसेंटिव वाला था तो इसीलिए आ गया। सर्ज भाई इसमें वो तगड़ी वाली मिल गई, 25 या 27 ऐसे कुछ मिला है। चलो चलो अब न्यू टाउन जाऊंगा, बस बजना शुरू हो जाएगा तुरंत ही, वो भी सेक्टर 5 के सिर्फ। नहीं लूंगा तो उसके बाद भाई आईडी में थोड़ी सी दिक्कत कर देती है, राइड देना ही बंद कर देता है, यही सबसे बड़ी परेशानी होती है, इसलिए जो आता है फटाफट से उठाते जाता हूँ। देखो सब यहाँ लाइन लगा के खड़े हैं, ताला ये कहाँ का है लाला? खुदी रंबो सरानी विधन सरानी आर्जिकल हॉस्पिटल। अच्छा अच्छा, पैसा कम दे रहा है, चलो इसको छोड़ो। दिखा, देखो सेक्टर 5 की आ गई ना। अच्छा आप लोग को एक अपडेट देना है, उबेर में एक नया फीचर आया हुआ है, अबे हट साले कितना बार आएगा, उबेर में एक नया फीचर आया हुआ है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इसमें क्या है ना, अब आपसे कोई कस्टमर बिल मांगता है ना, तो आप बिल भी उसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसमें सिंपल सा है, आपको इसमें 3 लाइन में जाना है, अकाउंट वाले सेक्शन पर जाना है, ठीक है। अकाउंट में यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन दिख रही है ना, टैक्स पेमेंट के नीचे, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो गाइस लिखा हुआ है टैक्स इनवॉइस, ठीक है, सेकंड नंबर, पहला है सेटिंग, दूसरा इनवॉइस, इस पर क्लिक करो तो जितना भी राइड आपने किया है सारे का बिल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जितना भी राइड अभी तक आपने किया है ना सारे का। वॉइस बाय उबेर, ऐसे क्लिक करोगे तो ये उबेर वाला वॉइस आ जाएगा, देख लो ये सारा इनवॉइस है, सॉरी मैं वॉइस बोल रहा हूँ। देखो इसमें सर्ज अच्छी दे रही है, 23 रुपये सर्ज दे रहा है, लेने का तो मन कर रहा है लेकिन सेक्टर 5 जाऊंगा फिर आना पड़ेगा। हट भाई, देखो ये हमारी उबेर वाली इनवॉइस आ गई कस्टमर को। आप अगर कोई डिमांड करता है तो आप इसको यहाँ ऊपर से डाउनलोड करके शेयर भी कर सकते हो। अरे यार वोटर बच जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो यही अपडेट है गाइस, आप लोग इस अपडेट को यूज़ कर सकते हो, अगर कोई कस्टमर डिमांड करे बिल का तो आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, सिंपल सा 3 लाइन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, नीचे में आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिखेगा 3 नंबर पे, उसको क्लिक करना है, टैक्स इनवॉइस पे क्लिक करना है, सारा आ जाएगा, ठीक है, हर एक राइड का। राइड आ गई है, पिक करने आ गया हूँ, आप है क्या, आप है भार्गव? 4-3 लीजिए।
चलो ये हमारा राइड हो गया कंप्लीट। एक्चुअली इसके बारे में बोलना था कि 20 रुपये भैया ने ऑलरेडी टिप दे रखा है, और ये हमारे ही गांव के थे बंदे। मैंने एक राइड ले रखी है, सो नहीं कर रहा भाई, सो कर जा। इस राइड का कितना मिला? 54 रुपीज़ मिला। टिप कहाँ गया मेरा? अच्छा टिप ले करके। ओके, नहीं तो 38 रुपये हमारा राइड का बना है। अरे राइड मैंने लिया यार, कहाँ चला गया राइड? अभी राइड आई थी, तुरंत मैंने पिक भी किया। हटा करके देखता हूँ, तक कैंसिल मार दिया बंदे ने। अबे न्यू टाउन जाकर के पिक करूँ तो हो गया हमारा। चलो बहुत टाइम लगाता है। साले अजीब सब कस्टमर आता है, बताओ भाई। पेमेंट 50 रुपीज़ किया, इतना मतलब हड़बड़ में रहता है ना, 56 का पेमेंट हुआ है, क्या बताओ यार। रात हमें लेट सोना, उठना भी लेट, और ऊपर से हम लोग को परेशान कर रहा है। इसके एप्लीकेशन पे मारना पड़ेगा कंप्लेन भाई, क्योंकि चेक ना, क्योंकि कस्टमर ने दिया है मेरे को नेक्स्ट 2 मिनट नेक्स्ट। अरे यार इसका पेमेंट कैसे बोलूँ? उबेर में रहता है तो बात भी किया जाता है, एडजस्टमेंट भी किया जाता है, इसमें कैसे बात करूँ? चलो इसको कंप्लीट करके फ़ोन करता हूँ कस्टमर केयर में। बताओ रैपिडो का कितना सिस्टम ख़राब है भाई। अरे मेरा आईडी लॉग आउट कर दिया, ये क्या बात हुई? रैपिडो ने बोला कि आप लोग को स्ट्रिक्टली बोला गया, बट हमें तो ऐसा कुछ कभी अपडेट मिला नहीं है कि आपने जितना अमाउंट कलेक्ट करोगे वो खुद के मतलब इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कलेक्ट करना, ऐसा ये बता रही थी कि इसमें हम कुछ आपका मदद नहीं कर सकते। तो ये क्या बात हुआ भाई? अब मेरे को 50 रुपीज़ मिला तभी तो मैं बोल रहा हूँ। चलो जाने दो, सोच लो एक दिन का, ऐसे ही मैं डिस्काउंट देता हूँ सभी को, इनको भी दे दिया। तो गाइस 10:40 हो गया, अर्निंग भाई 530 रुपये की अभी तक हो गई है। अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, ख़राब नहीं हो रही है। चलो अब निकलते हम सेक्टर 5 से, यही लोचा है सेक्टर 5, आओ और भागो यहाँ से। इस कस्टमर से ना सच में बता रहा हूँ, इतना मूड ख़राब हो गया मेरा, मेरे को झगड़ा करने का मन करने लगा, बट नहीं, चलो जो है अपने हैं, ठीक है। मतलब इस तरह करने लगी, भैया इधर घुमा लो, भैया इधर कर लो, इधर रोक दो, क्या कर रहे हो भैया, इधर नहीं थोड़ा, अरे यार थोड़ा सा तो मैनेज करो, मेरे राइट साइड में गाड़ी है, मैं राइट कैसे लूँ पहले ये बताओ आप मेरे को। कोई भी गाड़ी चल रही है उसके साथ साथ दूसरी भी गाड़ी चल रही है, तो उसके हिसाब से हमें चलने पड़ेगी ना। अभी हमारे लेफ्ट साइड में ये चल रहा है, तो मैं अभी लेफ्ट ले पाऊँगा क्या? नहीं ना, इसको जब तक जाने नहीं दूँगा तब तक मैं लेफ्ट नहीं ले पाऊँगा। बहुत तरह की बात है यार, ये लोग इतना हड़बड़ करता है ना, मतलब बता नहीं सकता। एक तो मेरे को 5 मिनट गेट पे वेट करवाया, 5 मिनट, ठीक है। अब आते ही भैया हमको जल्दी से पहुंचा दो, लेट हो गई हूँ, तो लेट हो गया तो मेरे वजह से लेट हो गए। सुबह जल्दी से उठा करो यार, लेट जब हो जाते हो तो। तो गाइस चलो अब 11 बजने वाले हैं, हम निकलते हैं घर, ठीक है। तो
थोड़ा बहुत खाना पीना खा लें, नाश्ता वास्ता कर लें। हमारा टारगेट हमने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि शाम को भी अपने को निकलना है ना, इसीलिए। तो अभी इंसेंटिव का मेरे को नोटिफिकेशन दे रहा है कि 8 मिनट बचा हुआ है, जल्दी से कंप्लीट करो इंसेंटिव। मैंने भैया पहले ही कर लिया है। शाम में भी गाइस हमें 3 घंटे का समय मिलेगा, 5 बजे से लेकर के 8 बजे। उस बीच में अगर मैं कंप्लीट कर दिया ना, तो भाई देख लो इंसेंटिव जो है वो कितने का है। शाम को ज़्यादा नहीं, 75 समथिंग का है, 90 रुपीज़ का है। शाम को भी 6 ऑर्डर करना है, आई होप कि हो जाएगा, बट हम कोशिश करेंगे। तो हमने गाड़ी जो चलाया ना गाइस, टोटल घर तक का मैं बता रहा हूँ, 55 किलोमीटर चलाया गाड़ी हमने, ठीक है, 55 किलोमीटर। और इसका पेट्रोल कॉस्ट बनता है 110 रुपये रख लो, एंड अर्निंग जो रैपिडो में हुए 530 रुपये, और भैया ने मेरे को दिया था 33 रुपीज़ एक्स्ट्रा, ठीक है। तो टोटल जो हमारी अर्निंग हुई, ₹563। और देखो गाइस, एक दो कस्टमर ने दिया था एक्स्ट्रा, तो वो हम ₹570 आप रख सकते हो टोटल। तो 570 में अगर हम गाइस ₹110 माइनस करते हैं, तो ₹450 तो हमारा ऐसे ही बन गया गाइस। चलो, वो भी कम समय में, कम समय मतलब 7 बजे से मैंने स्टार्ट किया था और ये 11, मतलब 4 घंटे में हमने अच्छी खासी भाई काम कर ली। एक्सपेक्ट नहीं था कि रैपिडो कुछ ऐसा भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है, बट बढ़िया है भाई, मज़ा आ गया। मैंने सब छोटी छोटी राइड लिया है, एक ही राइड जो है वो 9 किलोमीटर का लिया था, जो कि एक न्यू टाउन की राइड थी सॉल्टलेक से, ठीक है, सॉल्टलेक सेक्टर 2 से शायद। चलो बढ़िया है। अरे भाई, आई होप कि वीडियो में आप लोग को मज़ा आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग भी अगर इंसेंटिव को, टारगेट को पूरा करना चाहते हो, तो छोटी छोटी राइड लो और अपना काम कंप्लीट करो। देख लो कि किलोमीटर कितने 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 पर है और इंसेंटिव कब एक्टिव होगा, ठीक है, काउंट होगा, वो देख लेना, ठीक है। क्योंकि मेरा देख रहे थे, कभी कभी क्या होता, एक एक किलोमीटर के लिए जो है अमाउंट ऐड नहीं हो रहा था, फिर 1 किलोमीटर के बाद ऐड हो रहा था। देखो अभी भी आ रही है राइड, बट हम अभी नहीं करेंगे, अब निकलेंगे शाम में, थोड़ा सा अपने को भी काम है। पैसे ठीक दे रहा है भाई, उबेर की तरह ये भी पेमेंट देना शुरू कर दिया। 8 बजे के बाद से बहुत अच्छी पेमेंट मिल जाती है रैपिडो में भाई। और बाकी जितना भी एप्लीकेशन है ना, सारे का मेरे को लगता है 8 बजे के बाद ही अच्छा पेमेंट मिलता है, 8 बजे से 1 बजे तक। ये देखो पुलिस भाई डेली चक्कर काटता है भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने बंदे लाइक ठोकना, एंड कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड या रोड टैक्स इंश्योरेंस किसी भी रिलेटेड जानकारी चाहिए या करवानी हो, तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना एंड विजिट कर सकते हो, हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, सेफ ड्राइव, सेफ योर लाइफ।